आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंशानुसार माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री माननीय ACS सर, MD सर और डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ सर ने आज सारे CMHO की, सारे डिप्टी CMHO की और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और ब्लॉक लेवल के सारे ब्लॉक CMHO की VC ली गई, जिससे के माध्यम से ये आदेश किया गया, ये निर्देश दिए गए, क्योंकि कोरोना के अलावा जो लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कि किडनी डिजीज, कोई हार्ट डिजीज है, अन्य कोई बीमारियां हैं, और जो लॉकडाउन के कारण या लॉकडाउन की पालना के कारण हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे, उन तक मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से OPD सेवाएं दी जाएगी। ये उदयपुर में भी हमारे 12 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक पे एक मेडिकल मोबाइल वैन रहेगी, उसमें एक डॉक्टर रहेगा, एक GNM रहेगा, एक LP रहेगा और वो सारी दवाइयाँ रहेगी एक PHC स्तर की, और उसके तहत हम एक मेट्रो प्लान बना रहे हैं और जहाँ पे जिन एरिया में के लोग चिकित्सा सुविधा हेतु लाभ लेने हेतु PHC CHC पे नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ी जाएगी, हमारा डॉक्टर वहीं जाके ट्रीट करेगा। इसका हम प्लान बना के किस गांव में कब जाएगी वो अखबार में भी देंगे, इसके तहत उस गाड़ी के ऊपर एक माइक भी लगाएंगे ताकि लोगों को मालूम चल सके, क्योंकि लोग अभी घरों में रह रहे हैं, उदयपुर जनता ने घरों में रहकर बहुत अच्छा प्रशासन को अच्छा सहयोग दिया है। तो इसके माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री की मंशा के अनुरूप गाड़ियाँ हर ब्लॉक में भेजेंगे और शहर में भी एक एम्बुलेंस भेजेंगे, जिस एरिया में जो शहर के लोग ऐसे कोई बस्तियां हैं जहां से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमारी उसको भी प्लान के तहत हम वहां पे गाड़ी भेजेंगे।